बसमिलीम फ़र्स्ट ईयर असलकुम टुडे वी आर डूइंग न्यू टॉपिक बायनोमियल सीरीज़ इन बायनोमियल सीरीज़ बायनोमियल सीरीज एक्सप्रेशन ऑफ वन प्लस एक्स पावर एन वेयर एन बिलोंग्स टू एन कैपिटल एन मींस के नेचुरल नंबर आ जाएगा अब इसमें आपके पास क्या है वी नो फॉम दायनोमियलोम ए प्लस बी पावर एन सो ए प्लस बी पावर एन इज़ इक्वल टू एन सी ज़ीरो ए पावर एन बी पावर ज़ीरो एन सी वन ए पावर एन माइनस वन सो बी पावर वन एन सी टू से सो अप टू सोन एन सी एन ए पावर जीरो एन बी पावर एन और हम ये भी बोल सकते हैं कि ए प्लस बी पावर एन ए पावर एन ठीक है एन ए पावर एन माइनस वन इंटू बी एन एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू फिकटोरियल अपू सन बी पावर एन नॉ इन बैनोमिकीर सीरीज इफ़ यू पुट ए इज़ इक्वल टू वन एन बी इज इक्वल टू एक्स दैन वी गेट द इक्वेशन इज इक्वेशन द फॉर्म वन प्लस एक्स पावर एन सो वन ठीक है हमने क्या कहा है कि ए की वैल्यू हम वन पुट करते हैं बी की वैल्यू हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो बी की वैल्यू एक्सपोर्ट कर दी तो बी पावर ज़ीरो आपके पास क्या आ जाएगा वन आ जाएगा और एन आपके पास मतलब एन सी जीरो इज इक्वल टू क्या आ जाता है वन आ जाता है तो इट्स मीन ये वन आ गया सिमिलरली हम लोगों ने सेकेंड टर्म में पुट कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा एन और यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स ठीक है सिमिलरली नेक्स्ट आ जाएगा एन इंटू एन माइनस वन फेक्टोरियर डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरी इंटू एक्स ऑन एक्स पावर एन सो वन एन बिकम अ नेगेटिव इंटीजर और फंक्शन then equation 2 become an infinite binomial series so 1 plus x power n is equal to 1 plus x power nx plus n into n minus 1 divided by 2 factorial into x square so n into n minus 1 divided into n minus 2 divided by 3 factorial into x cube plus up to so on now in submission form 1 plus x power n so sum सबमिशन हम जब उसमें पुट करेंगे तो हमारे पैसा आ जाएगा एन सी आर एक्स पावर आर इज द सबमिशन फ्रॉम फॉर्म ऑफ दायनोमियल सी नो व्हेन एन इज नेगेटिव और अ फंक्शन दैन द सीरीज इन इक्वेशन नंबर थ्री इज कन्वर्जेंट इफ माइनस वन इज लेसन एक्स इज लेसन वन और एक्सएपलूट इज लेस दैन वन दीरीज इन इक्वेशन नंबर थ्री इज डाइवर्जन इफ x absolute is greater than 1. Third one is 1 plus x power n is equal to 1 plus nx plus n into n minus 1 divided by 2 factorial into x square. So up to so on is valid for x absolute is less than 1. And fourth one is the first term is binomial series must be 1. Now question number 1 exercise 7.3 find the first 4 term in the expression of सो वन माइनस एक्स पावर माइनस वन डिवाइडेड बाई टू सो फर्स्ट टाइम आपके पास सबसे पहले बायनोमियल सीरीज हमने क्या बोला था कि वन प्लस एक्स पावर एन तो मीन्स कि वन आ गया अब इसमें माइनस है इट्स मीन की एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो हम माइनस में कर लेंगे सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा वन ठीक है वन फर्स्ट हम इसकी वन आ गई वन इसी तरह से आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास क्या है एन प्लस एन इंटू एक् तो एन इसकी पावर एन किसकी इक्वल है माइनस वन बाई टू तो वो शुरू में आ गया इंटू एक्स इंटू एक्स आ गया तो एक्स की वैल्यू आपके पास किसकी इक्वल है मतलब फर्स्ट वैल्यू आपके पास वन है वो इसी तरह से रहेगी एक्स हम देखते हैं तो एक्स आपके पास इसमें किसकी इक्वल है माइनस एक्स की इक्वल है, है सिमिलरली पावर एन भी आता है तो एन हमारे पास इसकी इक्वल है माइनस वन बाय टू है और एक्सप्रेशन आपके पास क्या है वन प्लस एक्स की पावर एन ठीक है अब हम इसमें पुट करते हैं इसकी एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है वन मतलब फर्स्ट टर्म ऑलवेज बी स्टार्ट फर्स्ट टर्म स्टार्ट विथ वन ठीक है हम लोग जब भी हम लोग बाइनोमी सीरीज स्टार्ट करेंगे तो वो हमेशा फर्स्ट टर्म होगी द फर्स्ट टर्म इन द बायनोमी सीरीज मस्ट बी वन इज इक्वल टू एन एक्स आ गया प्लस एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू फिक्टोरियल इंटू एक् स्क्र प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू डिवाइड बाई थ्री फिक्टोरियलियलियलियलियल इंटू एक्स क्यू प्लस अप टू सोन एन एक्स पावर एन हमने फर्स्ट फोर टर्म करनी है तो इसमें हम फर्स्ट फोर तक जाएंगे फर्स्ट टर्म हमारे पास वन आ गई सेकेंड टर्म हमारे पास एन एक्स आ गया तो पावर शुरू में आ गई देन उस पर अप्लाई कर दिया नेक्स्ट एन इंटू एन माइनस वन एन एन आ गया ठीक है एन माइनस वन आ गया देन नेक्स्ट आपके पास क्या है एक्स डिवाइडेड टू फिक्टोरियल प्लस थर्ड टर्म ठीक है लास्ट टर्म ये थर्ड टर्म आ गई लास्ट टर्म आगी एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल तो एन आपके पास वन बाई टू आ गया वन बाई टू आ गया माइनस वन सो माइनस वन बाई टू दिस और माइनस एक्स का क्यूब आ गया नेक्स्ट हम उसको फर्जर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया तो फर्स्ट टर्म ये बन गई फर्स्ट टर्म या आ गई सेकेंड टर्म या गई सेकेंड हम इसको करें जी इसको फर्दर सिम्प्लीफाई किया टू मल्टीप्लाई बाय वन तो माइनस टू हो जाएगा सो तो माइनस टू माइनस वन इज इक्वल टू थ्री सो माइनस थ्री आ गया सिमिलरली आगे इसको फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं तो थ्री माइनस थ्री और प्लस आ गया इट्स मीन टू टू जो फोर और फोर हम डी में ले जाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा एट ठीक है नेक्स्ट टर्म आपके पास आ जाएगी नीचे डिनोमिनेटर में थ्री फिक्ट इसमें थ्री मल्टीप्लाई बाई टू है तो थ्री वन एज थ्री एंड थ्री टू जो सिक्स आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट अगर आप देखो तो डिनोमिनेटर में टू टू जार फोर फोर टू जार एट है एट हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा सिक्सटीन और ऊपर नॉमिनेटर में माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और ये भी आपके पास क्या हो जाएगा प्लस तो देन आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा इसकी टर्म आ जाएगी वन प्लस आ आ गया plus 3 divided by x square आ गया क्यूब रूट ऑफ वन टी सिक्स को रैक्ट टू फाइव डेसिमल ठीक है अब क्वेश्चन नंबर टू है आपके पास फाइंड द इंडिकेट टर्म इन द एक्सप्रेशन तो आपके पास इसमें क्यूब रूट फाइंड आउट करने हैं वेलिएट करने हैं अब इनको तो सबसे पहले हम लोग इसका थर्ड पार्ट करें तो वन ट्वेंटी सिक्स की पावर आपके पास क्या आ जाएगी वन बाई थ्री मीन्स की क्यूब रूट आ गया अब इसको हम लोग बाइनोमियल सीरीज़ की फॉर्म में लिखते हैं तो वो वन प्लस की फॉर्म में होती है हम इसको लिखते हैं वन ट्वेंटी फाइव प्लस वन ठीक है वन ट्वेंटी फाइव प्लस वन हमारे पास आया तो वो क्या आ जाएगा होल पावर वन बाय थ्री आ जाएगा अब से मिलर ली हम अगर इन इस में से हम लोग वन ट्वेंटी फाइव की पावर वन बाय थ्री को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे वन आ गया और वन डिवाइडेड बाय वन ट्वेंटी फाइव आ गया और उसकी पावर दिस अब दिस इज़ अ बाइनोमियल सीरीज़ आ गई अब इस पर बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करते हैं अब इसमें इसका मतलब है कि एन आपके पास क्या आ जाएगा वन बाई थ्री और x आपके पास क्या आ जाएगा वन बाई ट्वेंटी फाइव तो आपने सिंपल करना है इसमें टर्म में पुट करते जाना है और अब टू एट टू हम लोगों ने करेक्ट फाइव डेसिमल तक लेके आना है अब इसमें x वाली कोई टर्म एक्सप्रेशन नहीं है हमने सिंपल इसमें वैल्यू पुट करनी है और फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर देना है इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा फ़ाइव पॉइंट ज़ीरो वन थ्री टू नाइन now remaining part of question number one question number two is your homework